हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की जैसे अलहमदिल्ला हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो घर पे गेस्ट आए हुए थे तो उनको लेके हम लोग आए थे ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ पर ये कंगारू है, बच्चों के खेलने का प्ले सेक्शन है, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग। देखिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा है ये। और आपको अगर आना है यहाँ पे तो आ सकते हैं, आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। ये यहाँ की एंट्रेंस है, बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको खाने पीने की हर चीज़ की यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए अलग अलग तरह के स्टॉल मिल जाएंगे, जो आप वहाँ से ऑर्डर करके आराम से खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे झूला भी लगा हुआ था बच्चों के खेलने के लिए, और यहाँ का पूरा ये स्टॉल सेटअप था। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। ये है यहाँ की एंट्रेंस, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पे साइड में आपको दो कंगारू मिल जाएंगे, जैसे इस जगह का नाम ही कंगारू है, तो ये आपको यहाँ पे वेलकम करने के लिए दो प्यारे प्यारे से कंगारू आपको मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है अंदर। और यहाँ ये इसका गेट है, चलिए अंदर चलते हैं। और ये हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री के साथ आपको बैठने के लिए सिटिंग एरिया सोफ़ा मिल जाएगा। यहाँ पे ये इनका मंदिर था छोटा सा, यहाँ से ये आप अपने कार्ड जो ले सकते हैं प्ले करने के लिए, खेलने के लिए जो आपको कार्ड लगेगा। और अंदर कुछ इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह का सेटअप है। यहाँ पे जो आप कार्ड लेकर आएंगे वो दिखाकर यहाँ से आपको अंदर जाना है, जिसका कार्ड होगा वही अंदर जा पाएगा। अगर गार्जियन को जाना है तो उन्हें भी अपना कार्ड लेना पड़ेगा, और आपको हाथ में एक बैंड लगाएंगे ताकि आप पहचान रहे कि हाँ आपने कार्ड लिया है, आप कार्ड से अंदर जा रहे हो। तो बस ये ऊपर जाने के लिए रास्ता था। ये मेरे गेस्ट खड़े हुए हैं, यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू है। यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है और बच्चों के खेलने के लिए। चलिए चलते हैं ऊपर, उसके बाद से आपको दिखाते हैं क्या है। तो हम यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए, और यहाँ पे हमने देखा है सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा फ़िश स्पा, जो लोग करा रहे थे। और इधर कुछ इस तरह का व्यू है, यहाँ पे फूड कॉर्नर बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट तो नहीं है, यहाँ पे फूड कॉर्नर है। आप जो चाहें आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, और आप आराम से यहाँ पे बैठकर अपना जो भी मंगाते हैं ऑर्डर, उससे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं उधर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये मसाजर था, तो यहाँ पे मेरी नंद और नंदोई दोनों लोग फुल मज़ा कर रहे हैं, इस पर आराम से मसाज वसाज करवा रहे हैं। यहाँ पर ये भैया इनको बिठा रहे थे कि आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, और दोनों लोग खूब मस्ती कर रहे थे, आराम से ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे और क्या 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 है। तो बस इन लोगों को यहाँ छोड़ा एंजॉय करने के लिए, और हम अंदर चले गए, जैसे कि यहाँ लिखा है कंगारू बोलिंग। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे गेम चल रहा था, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे इन लोगों का प्ले चल रहा है। तो बस ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे इन्हें कैसा गेम चल रहा है। और यहाँ का कुछ इस तरह से सेटअप था। चलिए चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं बाहर और क्या क्या है। तो ये लोग तो यहाँ मसाज करा रहे हैं, और हम पहुँच गए फिश स्पा के पास। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, स्पा करा रहे थे, और मैंने पूछा भैया कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा एक्सपीरियंस है? तो यहाँ बता रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बस इन्हें देख के मेरा भी मन हुआ कि मैं कराऊँगी। तो फिर हम लोग बढ़ गए आगे, यहाँ पे है स्काई राइडिंग, और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे नीचे, बच्चों ने तो खूब मस्ती की। और यहाँ का सेटअप भी अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे गेम थे। और ये छोटी सी बच्ची देखिए स्काई राइडर पे जा रही थी, इसको भी खूब मज़ा आ रही थी। और ये यहाँ पे आके स्टॉप होता है, फुल आपको पूरा एक चक्कर देते हैं।
आगे बढ़े तो यहाँ पे पूल बॉल और टेबल टेनिस, पूल बॉल था और ये बच्चे यहाँ पर वो बच्चे से अपने पापा के साथ इंजॉय कर रही थी। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है, ये स्काई राइडर था, यहाँ से बच्चे जाते हैं। और ये यहाँ की बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने बच्चों का छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं। और ये देखिए कंगारू खड़ा था हम लोगों को वेलकम करने के लिए, और ये पूरा सेटअप ही बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे अब्दुल आ गया है अपना प्ले करने के लिए, चलिए देखते हैं कैसा खेलता है। और ये इसने खेला बहुत ही अच्छा पहला शॉट, और इसने बहुत ही अच्छा खेला। फिर हम आ गए नीचे, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और ऊपर से दिख नहीं रहा था, तो मैं सोची चलो नीचे चल के वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पर ये अबू लेटा हुआ है, अभी देखिएगा आपको कितनी मज़ा आएगी। ये देखिए इतना दूर ये जाके गिरा था, क्योंकि ये छोटा था और जो भैया थे वो थोड़ा हेल्दी थे, वो इसके ऊपर जब कूदे जंप किया तो ये चटक के चला गया उधर। उसके बाद फिर सब बच्चों ने एक एक बार अपना अपना ट्राई किया, और ये लोग तो फुल मज़ा कर रहे थे, फुल मस्ती हो रही थी। ये देखिए लोगों की तो पूछे ही मत जो मज़े थे। अभी अलीना का नंबर है, देखते हैं। अलीना ने भी ट्राई किया और इनको भी बहुत मज़ा आई। ये देखिए चलिए आइए देखते हैं हम आगे और क्या क्या है। यहाँ पे जंपिंग वाला था, बच्चों के छोटे बच्चों के खेलने की भी जगह थी, और यहाँ का व्यू नीचे का कुछ इस तरह से था। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। मैं तो यहाँ अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर अबू और सुहैम ऊपर चले आए टेबल टेनिस खेलने के लिए बस, और ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। इन लोगों ने तो कोई भी गेम नहीं छोड़ा कि कोई ऐसा गेम हो जो इन लोगों ने ट्राई ना किया हो, सारे गेम ट्राई करते। और यहाँ पे अब्दुल अपना मैच खेल रहा था भैया के साथ, जो यहाँ पे खिलाते हैं सबको उन्हीं के साथ, इसको कोई मिला नहीं इसका पार्टनर तो उन्हीं के साथ ये खेलने लगा। इसने भी खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे मैं आ गई बच्चों के साथ खेलने के लिए, फिर थोड़ी देर मैंने इनके साथ मस्ती की, और मेरा तो इतनी तेज़ शॉट लग जा रहा था कि वो बाहर ही चला जा रहा था टेबल से। अबू बेचारा दौड़ दौड़ के लेकर आ रहा था बॉल ला रहा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की लास्ट टाइम तक, हम लोग जब तक ये पूरा बंद नहीं हुआ जब तक कि हम लोग यहाँ पे मस्ती कर ही रहे थे। और बस देखिए यहाँ पे स्वयं वीडियो बना रहा था, हिला रहा है, और मुझे भी नहीं रह गया, मैं भी चली आई फ़िश स्पा करने, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी लग रही थी, मज़ा भी आ रहा था लेकिन गुदगुदी भी लग रही थी। वो मछलियाँ जब आगे पैर में चिपक जा रही थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन एकदम अजीब सा कुछ लग रहा था। उसके बाद देखिए कितनी सारी मछलियाँ मेरे पैर पे आगे बैठ गई थी। और हम लोग इतना एंजॉय करा कि पूरा जाने का टाइम बंद हो रहा था, और अभी तक हम लोग यहाँ पे हम लोग का गेम ही पूरा बंद हो गया था। ये देखिए सब इंतजार कर रहे हैं हम लोग का मैच खत्म हो, तो हम लोग का मैच ही नहीं खत्म हो रहा था, मैच सब इंतजार कर रहे थे, इन लोग का मैच खत्म हो तो हम लोग बाहर। और ये देखिए फाइनली इन लोग से स्टिक छीननी पड़ी तब जाके इन लोगों ने दिया। और निकलते निकलते यहाँ स्वयं आराम फरमा रहे थे, फिर हम लोगों ने इस जगह को किया बाय बाय और यहाँ से निकल लिए। बाहर आके पता चला अंदर तो एसी में थे, बाहर आए तो खूब गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ पे भाई गाड़ी लेकर आ गए, और ये देखिए सामने इस पेड़ को देख के कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कोई खड़ा हुआ था। फिर हम निकल गए बाहर खाना खाने के लिए, भाई सोचे थे कोई ढाबा मिले वहाँ पे खाना खाते, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। फिर हम लोग आ गए टुंडे कबाबी के अमीनाबाद खाना खाने के लिए, और अमीनाबाद का व्यू तो देखिए रात में कितना सन्नाटा है, दिन में तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो बस चलिए आपको भी लेके चलते हैं टुंडे कबाबी क्या, आइए हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए हम पहुंच गए टुंडे कबाबी की गली में, और गली में घुसते ही रश तो देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे भीड़। हम तो सोच रहे थे मुहर्रम की वजह से बंद होगा, मगर खुला हुआ है, और भीड़ तो चेक करिए कितनी ज़्यादा है। ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए, चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टुंडे कबाबी, और यहाँ से हमने एंट्री की, और एंट्री करते आपको यहाँ पे दिख जाएगा आई लव टुंडे कबाबी।
और जितने लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये वो आए हुए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, सबकी आपको पिक्चर मिल जाएगी। और नीचे कुछ इस तरह से फ्लावर लगे हुए थे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोगों को कहाँ जगह मिलती है, ऊपर या नीचे। फाइनली हम लोग को नीचे टेबल मिल गई और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो बस हम लोग चले। ये यहाँ का था मीनू, ये यहाँ के ओनर। यहाँ आ चुका है हम लोगों का खाना, तो हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये हम लोग यहाँ पे अपना खाना खा चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और ये देखिए जाते जाते हम लोगों को फिश दिख गई इतनी प्यारी सी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।